हेलो एंड वेलकम। सो इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल देखने वाले हैं एज्योर CDN के ऊपर कि वो हम कैसे क्रिएट करेंगे एंड कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लास्ट वीडियो में मैंने एज्योर CDN क्या होता है, बेसिकली CDN क्या होता है वो एक्सप्लेन किया था, और वो अगर हम एज्योर CDN यूज़ करते हैं तो उसमें और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हमें मिल जाती है वो चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। सो इस वीडियो में हम देख लेंगे कि एक बार जो है एज्योर CDN वो इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अब Azure CDN को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने कुछ चीज़ों को ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। सो वो है एक रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। सो मैंने ये वाला रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करके रखा है CDN डेमो करके, और इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर मैंने क्रिएट किया है एक स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, एक स्टोरेज अकाउंट में कुछ फाइल्स डालूंगा, उसके लिए मैं एक CDN क्रिएट करूँगा, और फिर हम वो फाइल्स को एक्सेस करेंगे CDN के एंड पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, सब आराम से हम समझ जाएंगे, ओके। सो पहले मैं बस दिखा देता हूँ कि मैंने किया क्या है। ये जो मेरा स्टोरेज अकाउंट है CDN डेमो STRG, ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे कुछ कंटेनर्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। सो हम पहले ध्यान देते हैं इस टेस्ट वाले कंटेनर पर, ठीक है। तो टेस्ट वाले कंटेनर में मैंने दो फाइल्स को अपलोड करके रखा है, कुछ आइकॉन्स हैं बेसिकली, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कहाँ पे गया, हाँ। सो बेसिकली ये एक आइकॉन है ये, और cdn.png भी एक आइकॉन है, ओके। सो एक फ़ोटो है बेसिकली, और ये इन फ़ोटो को हम बाहर एक्सेस कर सके, ठीक है। लाइक व्यू एडिट, इस फ़ोटो को एक्सेस कर सके इस तरह से ब्राउज़र में, कि हम एक न्यू टैब ओपन करके वहाँ पे एक्सेस कर सके। उसके लिए मैंने क्या किया है, एक्सेस चेंज एक्सेस लेवल में जाके मैंने कंटेनर सेट कर दिया है, सो दैट हम कहीं से भी एक्सेस कर सके इन फाइल्स को, बेसिकली ऑथेंटिकेशन ना मांगे, उसके लिए मैंने इसको वो सेट कर दिया, ठीक है। सो हमने इतना कुछ कर दिया। अब बारी आती है कि CDN प्रोफाइल्स क्रिएट करने की, तो वो हम स्टोरेज अकाउंट में क्रिएट करते हैं CDN प्रोफाइल्स बेसिकली, और वो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे जब जाओगे ना नीचे सिक्योरिटी प्लस नेटवर्किंग में, तो क्योंकि Azure CDN भी एक नेटवर्किंग का पार्ट है, तो वो नेटवर्किंग सेक्शन में हमें मिलेगा, और सबसे पहले जाना है Azure CDN में, और यहाँ पे हमें बस क्रिएट करना है एक न्यू एंड पॉइंट, ठीक है। सो हम ये सिलेक्ट करेंगे क्रिएट न्यू, और मैं इसको एक नाम दे देता हूँ टेस्ट CDN, और जो प्राइसिंग टियर है वो हमें यही सब मिलेगी, ठीक है। अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग एंड पॉइंट्स हैं बेसिकली। हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं यूज़ करता हूँ और शायद रेकमेंड करूँगा वो होगा स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट, और हम एक CDN एंड पॉइंट को एक नाम दे देते हैं टेस्ट CDN, आई होप ये अवेलेबल हो, ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है, ओके ये अवेलेबल है। सो ये हमने URL का नाम दे दिया, ठीक है, जो हमारा CDN का एंड पॉइंट है उसका नाम होगा टेस्ट CDN डेमो URL.azure.net, और हम यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं इसके लिए ब्लॉब्स के लिए, क्योंकि मैंने ब्लॉब्स में कुछ फाइल्स को ऐड किया है, और मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ क्रिएट के ऊपर। अब ये जो CDN एंड पॉइंट क्रिएट करने का जो प्रोसेस है ना, काफ़ी टाइम लेती है, ठीक है, बहुत आराम से 10-15 मिनट ले सकती है मैक्स, और ये जो है CDN एंड पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तो जब तक ये क्रिएट होता है तब तक मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, या फिर मैं कट करके डायरेक्टली वहाँ पर स्किप कर दूँगा, ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो CDN एंड पॉइंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे इसको ना एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो URL है, ये इस URL पे हमने एक एंड पॉइंट क्रिएट कर लिया है CDN का। सो करना क्या है, ठीक है, इस इमेज को मैंने यहाँ पे लोड किया ना माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर करके, तो ये वाला जो URL है, ठीक है, बेसिकली इस URL को हमें अपने CDN वाले URL से रिप्लेस कर देना है, और करना है क्लिक, ओके। तो अभी आएगा कि दिस पेज इज़ नॉट वर्किंग, वी रिडायरेक्टेड यू टू मेनी टाइम्स, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो CDN है हमारा उसको कुछ टाइम लगता है जो फाइल्स है ना उसको कैश करके स्टोर करने के लिए, सो दैट उसको इंटरनेट पे सर्व किया जाए, उसके लिए उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो लेगा टाइम लेगा आराम से, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो हमें बस इसको टाइम देना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम जो अपना CDN एंड पॉइंट है, ठीक है, ये जो एंड पॉइंट अपने आप में एक रिसोर्स है बेसिकली, हम उसके ऊपर कुछ डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये हमारा एंड पॉइंट नेम है, ये बेसिकली जो CDN का एंड पॉइंट है ये उसका नेम है, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिनल स्टोरेज अकाउंट है ये उसका URL है, तो ये इस स्टोरेज अकाउंट को कैश कर रहा है बेसिकली।
और फिर हम यहाँ पे अलग अलग कुछ चीज़ देख सकते हैं जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया था कि हम कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं अपने CDN एज्योर CDN में। फिर हम कैशिंग का रूल सेट कर सकते हैं कि क्या कैश करना है, किस तरह से कैश करना है और कुछ अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और फिर जियो फिल्टरिंग कि कौन से लोकेशन में हमें जो कैश है वो बेसिकली नहीं करना है। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ब्लॉक इन कोई एक कंट्री सेलेक्ट कर दूँगा तो वो उस रीजन में मेरे कंटेंट को कैश नहीं करेगा, ठीक है। सो ये उस तरह की चीज़ें हैं। और अभी बस मैं कुछ देर रुकना पड़ेगा सो दैट जो कैशिंग का पार्ट है वो हो जाए। ओके, सो अब मैं काफ़ी टाइम रुक गया हूँ और आई थिंक अब तक तो जो हमारा CDN है वो चल जाना चाहिए। तो ये है मेरा CDN का बेसिकली एंड पॉइंट। सो टेस्ट CDN डेमो URL, ठीक है। और इसमें हमें जाना है ये वाले पेज को, इसको लोड करना है। टेस्ट कंटेनर में हमारा azure.png है। सो हम देख सकते हैं कि जो ये हमारा इमेज है बेसिकली वो लोड हो रहा है जो ओरिजिनली इस एंड पॉइंट पे है। कहाँ पे गया? जो ओरिजिनली इस URL पे है, ठीक है। CDN डेमो strg.blob.core इस पे है, बट हम इसको इस यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं जो है CDN डेमो URL। सो इस तरह से जो है CDN का इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं और ये कुछ ऑप्शन से जो हमें मिल जाता है। सो आई होप कि हम समझ गए कि Azure में CDN को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सो एक बार वो खुद एक्सप्लोर करके देख लेना और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में बताओ या फिर मुझे मेल करो, मैसेज करो, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।